नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बीते 10 जनवरी की रात्रि गोमिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि स्वांग न्यू माइंस पानी टंकी के समीप सफेद रंग की चार पहिया वाहन बिना नंबर प्लेट के खड़ी है। सूचना मिलते ही गश्ती दल में मौजूद सअनी मनोज यादव दलबल के साथ पहुंचे और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर छानबीन की तो बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद की। चकमा देने के लिए ऊपर से 30 बोरी धान एवं 5 बोरी पुआल लदी हुई थी। आसपास के मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि गाड़ी में रखी अवैध शराब पिंटू शर्मा की है, जो बिहार में खपाने की कोशिश में था। जब उसके घर में पुलिस गई तो वह अपने घर से फरार था। पुलिस जांच कर अग्रिम कार्यवाही करने की बात कह रही है। गाड़ी के ऊपर धान, उसके नीचे अवैध शराब लगभग 1060 पीस विभिन्न ब्रांडों के रखी हुई थी। आसपास के लोगों को पूछताछ करने पर कोई भी उसका मालिकाना हक का दावा नहीं किए। तत्पश्चात उक्त सभी सामानों को जब्त कर थाना लेकर आया गया तथा पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मामले में किसी की गिरफ्तारी भी की गई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच किया जा रहा है। किसका मामला है? ये जो बरामद जो शराब हुई है उस बिंदु पर जाँच की जा रही है कि यह शराब कहाँ से आई और कौन लाया है। सर, को पिंटू शर्मा का नाम आ रहा है सर? जी, हम लोग काम कर रहे हैं, जांच पूर्ण होने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।